तो हेलो गाइस, कैसे सारे आए वाले अच्छे और एक वीडियो में आप वेलकम। तो आज के वीडियो में आप देखने वाले जो ब्लॉगर पेज सेटलिंग जो एडलिंग प्लाई के लिए जो इस तरह से बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो बहुत भाई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया जो इस तरह से सेटलिंग को बना के दो, तो मैंने इसको बना के दे दिया। ओके, तो इसके बाद पहले देख लो, फिर डुअल क्लिक टू कंटिन्यू। ओके, तो इसके बाद ये वाला पेज दोबारा आएगा, तो ये आप पेज को सेंस भी मतलब और भी बना सकते हो। इसके बाद डुअल टैप पेज से ओके आई एम नॉट ए रोबोट, इसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू आने के बाद यहीं पे प्लीज वाइड आ रहा है, तो यहीं पे टाइमर शो होगा। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट ये करना पड़ेगा, जो इसको करने के बाद सबमिट। ओके, तो ये देख लो गूगल जो यहीं पे गूगल की जगह आपका एडलिंक पर का डोमेन होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहीं पे लेआउट पे जे पे लेआउट पे देख लो। पहले तो फ्री है, तो फ्री का लाइसेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा जो आपका लिंक को दूसरे वेबसाइट से रेफर करके जाएगा, इसलिए आपको ये वाला फ्री का यूज़ नहीं करना। ओके, तो आपको सिंपली ये पे google.com देख रहे हो, ये भी आपका एडलिंक प्लाई का डोमेन रहेगा। और ये पे जो देख रहे हो टाइमर, ये वाला टाइमर है, इस फर्स्ट दो फेज का टाइमर है पहले का, और ये पे सेकेंड फेज का टाइमर है देख सकते हो। और ये पे जो आप कितने बार फेज को दिखाना चाहते हो, टोटल फेज 3 नंबर है, तो हो जाएगा पूरा थीम पे और कोई भी काम नहीं है। और बाकी अब सेटअप आप यूट्यूब पे देख लो। ओके, जो एडलिंक प्लाई एम्प्लाई से थीम को कैसे कनेक्ट करते हैं, और नहीं तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा किसी का भी वीडियो को, तो आप ऐसे देख सकते हो। 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, अब अगर आपको पता है तो मिनट क्या लगेगा, सेकेंड के अंदर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वाला चाहिए तो जो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओ, कॉन्टेक्ट करो तो आपको मिल जाएगा। तो गाइज आपका अगर आपको ऐड वगैरह प्लेस करना, और एक बात जो आई एम नॉट ए रोबोट जो करना पड़ता है, ओके, उसके एक साइड की होता है, इस साइड की देख लो, एक पे मैं जूम आउट करता हूँ। ओके, ये वाला देख लो, ये वाला साइड की, तो आपको क्या करना, कैप्चर जो गूगल कैप्चर ओपन कर लेना। ओके, उसके बाद एक डोमेन को ऐड कर लेना, एंड इसका जो वर्शन है ट्रू कर लेना, आई एम नो रोबोट है सिलेक्ट करके। ओके, इसका उसके जो साइड की को कॉपी करना है, एंड एक पे पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ए पे साइड की को पेस्ट कर देंगे, और ये भी देख लो बॉटम टॉप जो दिख रहा है, और नहीं तो नॉट ए रोबोट ये वाला कीवर्ड को कॉपी कर लेना। ओके, मतलब आपको जब थीम को लोगे, ओके, जो बहुत सारे लोग को जो ऐड प्लेस करना नहीं आता, ओके, तो आपको ये वाला देख लेना, तो इसके ऊपर नीचे ऐड लगा देना, हो जाएगा। और बाकी और एक है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड सर्च करना। ओके, आई डी का नाम है डाउनलोड, इसको टॉप में है देख लो, वेरीफाई और जो डाउनलोड, ठीक है, ये दोनों को जो सर्च कर लेना। ओके, तो इसके ऊपर नीचे ऐड लगा तो हो जाएगा, तो ऐड प्लेस हो जाएगा। और आप कोई भी थीम को आप मुझे दे सकते हो, मैं उस पर आपको सेपलिंग को सेटअप करके आपको दे दूंगा। ओके, मतलब अब अगर आपको ये वाला थीम अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरे थीम पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको इंस्टॉल कर देंगे सेपलिंग को, ठीक है।